हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, बेनीवाल तुम संघर्ष करो, बेनीवाल जी संघर्ष करो, अब आपकी चंदन के लाडले युवा दिलों की धड़कन केसर विवेक हनुमान जी बेनीवाल हमारे यहाँ पधार चुके हैं। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, बेनीवाल साहब संघर्ष करो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो। दोस्तों ये हिंदू नहीं है राजस्थान में वो आगे सीएम बनने जा रहा है, वो विकास में बैठा बनेगा, ये बहुत गर्व की बात है। अपनी युवा सब मिलके जो है सरकार सरकार चल रही है इनको खदेड़ना है, वो मेरी विनम्र अपील है भाइयों। आगे बहुत प्रोग्राम है, बहुत खुशी में आपने स्वागत किया भाई साहब का, जो स्वागत जो भी है भाई साहब को तो एक बार सारे मंच पे जो आगे बहुत ठीक है, एक बार सारे भाई को मंच पे लिख जाते हैं, थोड़ा सा लेट हो रहा है, आगे बहुत सारे प्रोग्राम है, आपने भी लेट किया है, एक बार सारे भाई लिख जाते हैं। देखो भाई ये जा जैसी शिक्षा लिए नहीं उन्होंने वैसे ही बने, महावीर स्कूल में पढ़े और जा चुके महावीर ही हैं, और महावीर हनुमान जी को भी कहते हैं और हनुमान जी ये भी हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। सबसे पहले तो सबसे पहले तो कोई फोन की धरती पर आज मुझे किसी ने बताया कि कमी होगी, उसके लिए तो मैं छोटे प्रार्थना करूंगा उसका आप शांति दें। और मैंने तो ये भी कहा था कि अपने स्वागत करें थे लेकिन बच्चों की जवानों की जिद थी, मैंने कहा पर सड़क से मिलने लेकिन क्योंकि आपका बड़ा स्नेह है। लोकसभा का जब चुनाव था तभी मैं आपके गांव के अंदर आया था, तब मैं किरोड़ीलाल मीणा के लिए वोट मांगने आपके गांव के अंदर आया था, तब हम दोनों छात्र लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन वो मुझे पीट से मजदार के अंदर छोड़ दे और फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले गए। तो पूर्ण गांव का बहुत बड़ा प्रभाव पूरे इलाके के अंदर है, यहाँ शिक्षित भी है, नौकरी वाले भी है और
और अभियान का मैसेज पूरे इंडिया के कांग्रेस कठोर का मैसेज देता है। और आज ने जिस जोश के साथ मेरा स्वागत किया, इसका मतलब क्या है कि मिशन 18 को पूरा होने से अब कोई रोक नहीं सकता। आज लोग और देश की धरती पर देख रहा है मेरे साथ भाई कैलाश जी। तो महावीर स्कूल के अंदर जब हम बच्चे थे पढ़ते थे तो गांव के जितने भी लड़के आते थे चाहे वो कहीं का भी था उनको पूरा सपोर्ट करते थे। और दयाराम इधर दयाराम आगे में इधर दयाराम छोटा है थोड़ा हाइट बढ़ाना। दयाराम मेरे साथ खास मेरा मित्र हुआ करता था स्पेशल इस गांव को। और पहले भी आया था एक बार काम बहुत पहले और जब मैं डाक साहब के चुनाव के अंदर वोट मांगने आया तब ये अंदर शादा नहीं आया मुझे लग गया वोट नहीं है वोट समझ गया। और आज हजार से ज्यादा संख्या इसका मतलब आपका मन है कि हनुमान को मिशन 18 पूरा करने के लिए हमें सहयोग करना है। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे दोस्तों के किसान पुत्रों को धरती पुत्रों को कि जिस मिशन को लेकर राजस्थान के लोग चले उस मिशन को पूरा करने का समय आ गया। हुकार हमने नौकरों को धरती से भरी हम सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं लड़ रहे। अगर सत्ता प्राप्ति के लिए लड़ते तो किसी का दामन थाम लेते। 15 साल पहले गहलोत को 15 के छंदर से पर उठाते तो 3 बार कैबिनेट का मंत्री बन गया। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कहा मैं मंत्री बनकर जब तक सेवा करूंगा तब तक श्री तेजाजी का भक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। राजस्थान डिसेंडेंट नहीं होगा। मेरी पहली मांग थी कि किसान ऋण मुक्त हो और 85,000 करोड़ का किसानों का पूरा कर्जा सरकार माफ करे। ये मेरी पहली मांग नागौर। और दूसरी मेरी मांग थी बिजली उत्पादन के अंदर राजस्थान उन 5 राज्यों में शुमार हो गया जो देश के अंदर सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन कर सके। विंड एनर्जी सोलर एनर्जी के बाद वो दिन दूर नहीं कि हम बिजली में आत्मनिर्भर हो जाएंगे वो दूसरे राज्यों को बिजली निर्यात करेंगे। मैंने मांग रखी कि मुफ्त बिजली किसानों को मिले तो राजस्थान को रोड टैक्स देते टोल टैक्स नहीं देंगे। किसान के बेटों को 4 लाख जो खाली पद है वो नौकरियां लगे 4 लाख खाली पद भरे जाए और 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में। जयपुर के अंदर बड़ा रैला होगा नागौर से जो चिंगारी उठी थी जयपुर में ज्वालामुखी बन जाएगी। और जो नागौर से आंधी चली थी जयपुर में सुनामी ला दो और उस सुनामी की चपेट के अंदर गहलोत वसुंधरा और पायलट हवा में उड़ जाए और सुनामी के साथ आगे जाए ऐसी सुनामी जयपुर की धरती पे लाना। ये मेरी लड़ाई का ही परिणाम है कि 50,000 का कर्जा माफ हुआ स्टेट हाईवे टोल मुक्त हुआ और मुफ्त बिजली की 500 की घोषणा वसुंधरा ने हनुमान बेनीवाल और जवानों और किसानों के दबाव के अंदर की। और स्वामीनाथन आयोग की आंशिक रिपोर्ट लागू हुई जो मूंग 4,000 में बिकता था वो अब की बार 7,000 में बिका। मूंगफली का भी दाम बढ़ा लेकिन दुगना नहीं हुआ। अभी समय बाकी है मेरे भाइयों तैयारी कर लो आने वाला समय आपका है। 29 तारीख को इतनी ताकत दिखा देना। ये तो सेमीफाइनल है मोदी का चुनाव बाकी है और मोदी सत्ता छोड़ना नहीं चाहता इसलिए ताकत दिखा के जो भी मांग लोगे किसानों का भला हो जाएगा। हम चाहते हैं कि किसान संपूर्ण कर्जा मुक्त हो ऋण मुक्त होकर आराम से नींद ले और सरकारी स्कूल में अच्छे अध्यापक अस्पताल में डॉक्टर लगे हमारा मान सम्मान हो। गरीब हमारा फटी हुई जूती और फटे हुए कपड़े पहना किसान भी मेला किसान भी अगर थाने तहसील में जाए तो थानेदार हाथ जोड़ के बोले आओ बाबा बैठो आपका क्या काम है ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर चाहता हूँ। ऐसी थानेदार 8 बजे बाद दारू पी के पड़े और तहसीलदार गरीबों का शोषण कर रहे हैं। मेरे भाइयों आपके मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं और मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो लड़ा हूँ। कांग्रेस तो वसुंधरा की गोद के अंदर जाके बैठ गई थी ये हनुमान बेनीवाल था जिसने अपराधियों भ्रष्टाचारियों और कांग्रेस बीजेपी के मिले जुले खेल को खत्म करने का प्रयास किया। सड़कों पर लड़ा और विधानसभा के अंदर अकेला लड़ा और वसुंधरा जब भी बोलने के लिए खड़ी होती थी तो एक बार तो मैं उसको नीचे पीछा था ही पीछा था बैठ जा वसुंधरा हो सकता है कि बाद में
सस्पेंड कर दिया जाता देखो मेरी संख्या तो थी। कांग्रेस मुझे बड़ा दुश्मन मानती थी, कांग्रेस ये कहती है किसानों को जगा रहा है और जगा के तो किसानों को छत्ता के नजदीक नहीं लाया तो फिर गहलोत छीन कैसे बनेगा, पायलट का नंबर कैसे आएगा। आबादी तो हमारी राजस्थान के अंदर ज्यादा और दलित शोषित मुस्लिम जो नारा दिया था जे एम एम का वो डायरेक्ट और बढ़ा देंगे जयपुर की रैली के अंदर। मेरे भाइयों की तैयारी कर लो, हर जगह जहां भी मोर्चे बने अगड़ी जातियों को अगुवाई करनी पड़ी। यूपी बिहार के अंदर यादव आ गया है और दलित मुसलमान साथ आए मुख्यमंत्री बन गए। हरियाणा के अंदर जाटों के साथ दलित मुसलमान आया, जाट सीएम बने। ममता बनर्जी बंगाल में मुसलमानों के दमदम मुख्यमंत्री बनी और दलित की बेटी मायावती मुसलमानों को लेकर यूपी की सीएम बनी। क्योंकि राजस्थान इतना कमजोर है, वहां तो आबादी 7% वाले भी सीएम बन गए तो 22% आबादी। अपने सारे भाइयों को साथ लेके, दबे कुचले भाइयों को साथ लेके इस राजस्थान के मैदान के अंदर इस बार कूदेगी, तीसरा मोर्चा बनाएंगे और 29 तारीख को नई पार्टी का ऐलान करेंगे। 29 तारीख के बाद राजस्थान के प्रत्येक गांव के अंदर किसान के बेटों को एक ही चिन्ह दिखन दिखाई देना चाहिए जो नई पार्टी का चुनाव चिन्हो। इसको लेके आप तैयारी कर लो, मैं भरोसा दिलाता हूँ इतनी सीटें आपकी इतनी सीटें आएगी राजस्थान के अंदर जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पूरा राजस्थान दुखी है, कोटा डिवीजन के अंदर जब मेरे समाज की संख्या कम है वहां भी लोग कहते हैं कोई पार्टी बना दो आपको एमएलए मिल जाएंगे आप। हमें मजबूत नेता चाहिए जो पिक नहीं करेंगे, क्योंकि पहले बसपा के 6 विधायक पीएसपी से बने थे और वो गहलोत ने उनको खरीद लिया था। एमएलए भी लोग कहते हैं एमपी बिक जाते हैं और बड़े बड़े नेता बिक जाते हैं, अधिकारी बिक जाते हैं। तो मेरे भाइयों तैयारी कर लो, आपका विधानसभा क्षेत्र 400 लगता है तो 400 की सीट तो तीसरे मोर्चे के खाते में आने की आ जाएगी क्या? तो 400 अगर निवाई आ गई तो समझ लो कि 122 आ गई। जवाब आप अभी देखो हेलीकॉप्टर लेके ये आ जाएंगे तो फोन कर लेंगे। अरे यार मैं बोलता था घूम के इसीलिए आए नहीं घूमने के लिए। किधर आओ, क्या नाम क्या है? आचार्य जी कहाँ गए? आपका नाम क्या है? रामदास बाबा। रामदास जी ऊपर मैं तो अब जब पूरा राजस्थान मेरे साथ खड़ा है आज की तारीख के अंदर, फिर भी मैं ये कह रहा हूँ चला जी सुनना, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से कोई धरती पुत्र इसलिए मेरे साथ आना चाहे कि मुझे कप्तान अगर कोई धरती पुत्र कांग्रेस बीजेपी छोड़ के अगर इस संकट में मेरे साथ आए कि हनुमान जी मुझे मुख्यमंत्री घोषित करो तो हनुमान बेनीवाल अपने भाई के लिए उस त्याग भी करने को तैयार है, लेकिन पार्टी हमारी कांग्रेस बीजेपी के लोगों के लिए त्याग नहीं करेगा। तो रण होगा राजस्थान और ऐसा रण होगा जो मैं तो पहले कभी हुआ था और इस बार होगा। ये जवान भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेगा और माताएं बहने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर इस अपराध और भ्रष्टाचार को राजस्थान से खत्म कर देगी और राजस्थान का गौरव उन्हें लौटाएंगे और वीर नेताजी महाराज के आदर्श राजस्थान की राजनीति में स्थापित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। कोतून कोतून गांव को पूरे भरोसा देकर आ रहा हूँ कि कोतून आप 5 गाड़ी लाओ मैं कर लूंगा। एक ऐसा है आप सब मेरे भाई आपको देखा नहीं, ठीक है मेरे पर आपका कोई ज्यादा नेता नहीं, मैं सिर्फ आपकी सेवा करना चाहता हूँ। लड़ने का मुझे शौक है, अगर मुझे राज करने का शौक जीतती हूँ जीत करता हूँ चार जीती होता है और मैं जीतती हूँ, मैं जीत करके परिवर्तन करना चाहता हूँ। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाला समय आपका निश्चिंत हो जाओ, जोश के साथ हो सकना। जवानों को एक ही संदेश दूंगा, अपने माता पिता ने कठिन परिस्थितियों के अंदर जिस तरह नागौर में हम तकलीफ पाए उसी तरह जयपुर टोंक के अंदर आप
काफी तकलीफ करनी पड़े, या शिक्षा की बात करे नेताओं ने करी, या कोई रोजगार की बात करी, इसलिए खून को पसीना एक रुपये माँ बाप पढ़ने के लिए भेजते हैं। पहले अपना लक्ष्य प्राप्त करना, नौकरी लगे तो लगे, नहीं लगे तो काम धंधा करना, लेकिन उनसे नाम ऐसा टेलीफोन आ जाए कि आपका बेटा जो चोरी करता हुआ पकड़ा गया, उससे क्या मैसेज देते खराब बुरा, ये काम अपना नहीं है, ये तो पहले राजा महाराजा को थे, जो राजा महाराजा उजड़ गए खराब कर चुके हैं, तो अपने किसानों का काम ये नहीं है। तो मेरे भाइयों सही दिशा में चलता है, अगर हनुमान बनीवाल को मानते हो, जिस तरह मेरा आधा जीवन है उसी तरह का जीवन आपको करना पड़ेगा, तब जाके ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर होगी। और मैं कोतपुर के अंदर आस पास के सारे गाँव में, जब आप लोग जाओगे तो 5-7 दिन में 3 महल सारे गाँव में फैल जाना सोशल मीडिया के माध्यम से, तो देखिए नाम अभिषेक नंद, तो सब लोग कोतपुर और 10 किलोमीटर के एरिया से कम 5,000 लोग आए थे, आ जाएगा ना, एक भी गाड़ी घर पर नहीं लेनी चाहिए, जो जो गाड़ियाँ लेना नहीं हो तो किराए करके लानी पड़े, चाहे एक एक करके, ऐसे मत करना कि यार कौन चलेगा, हनुमान जी का भाषा तो गांव में सुन लिया था, तो फिर हुंकार नहीं होगी, फिर तो मेरी गिनकारी निकलेगी, वहाँ को ध्यान रखना, क्योंकि मैंने चुनौती बहुत बड़ी की है, 15 लाख देश की सबसे बड़ी रैली, प्रदेश की 4 रैलियाँ बड़ी कर चुका हूँ, न तो राहुल गांधी कर सका, न तो पप्पू कर सका और न गप्पू कर सका मोदी, तो हनुमान रैली आपको जयपुर के अंदर सबसे बड़ी तादाद में करनी, सारे भाइयों को जयपुर पहुंच करना, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।